आलू बुखारा ते कोटा जनाब ठंडा ठार शरबत। आज बहुत ज़्यादा बिजी हुई हूँ और हुई 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 हूँ। क्यों गलत लग रहा है भाई? नहीं क्यों? अच्छा, आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और उसके बाद मटन लेकर आई हूँ, चॉप्स बना ली हैं ईद के लिए, और उसके बाद कचनार चिकन बना रही हूँ। खूब मसरूफियत है अब जब से आई हूँ, तो बस अपनी एक रूटीन स्टार्ट हो गई है, वही रूटीन। और इसमें मैंने व्यूवर्स, जब कचनार गोश्त बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा उसमें खटास अच्छी लगती है दही की, टमाटर की, तो ज़रा दही मैंने इसमें डाला है। तकरीबन एक पाव के करीब मैंने, एक जो प्याली होती है ना वो वाली, मैंने इसमें दही की डाली है। और उसके बाद उसको भून कर, और फिर अब मैंने इसमें कचनार डाल दी है, और फिर मैं इसमें डालूंगी पानी, और इसको हम दम पे रख देंगे। दही डाल दिए मैंने इसमें, और अब इसको मैं भून कर और जनाब कचनार डाल दूँ, फिर कलर कितना ज़बरदस्त आया। पानी में पा दिते हूँ, असाई को रखें दे पे ज़रा दम पे, ते भाग रहे दे पे घट इनमें। ये अंडे आ जाए हैं और परसों तक ये अंडे ख़त्म होंगे। माशाल्लाह हमारे घर में तो अंडे बड़े इस्तेमाल होते हैं, और इनको मैं पहले वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद फिर इन्हें मैं छानी में डाल के रखूँगी। जी, इसमें अब ये जो बीफ है जो मैंने कटिंग कर ली है, इसको मैं रख रही हूँ, फ्रीज कर रही हूँ ये जनाब इस तरह से। और उसके बाद ये हैं चॉप्स, चॉप्स को मैं इसमें फ्रीज कर रही हूँ इस बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक हो, खैरियत ना हो? आज ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, उनकी तबीयत नासाज है, दो दिन हो गए उनकी तबीयत कुछ नासाज है। और उसके बाद जनाब शहरी की खों खों, मेरा दिमाग जो है ना अब मेरा फटता है, इतनी इसको खांसी, इतनी खांसी, जब से ये ज्यारत से आई है तो इसको शदीद खांसी, और सारा दिन सारी रात खों खों कर रही है। और रहने के दो दिन इसको इंजेक्शन लगते रह गए, वो भी दो दो इंजेक्शन। और उसके बाद जना मैंने कहा कि तुम इस तरह करो कि मेडिसिन ले लो, और वो मेरे नंदोई हैं, वो बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, पिंडी में होती है वो, तो मैंने कहा था जी उनसे मेडिसिन पूछो और वही खाओ। पता नहीं किस तरह से इंजेक्शन लगवा लेती है, मेरे भी इतनी हिम्मत नहीं होती इंजेक्शन लगवाने की। आज जब मैं आपको सही बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ व्यूअर्स, आज मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का, कोई मूड नहीं था। आपको शायद अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, और पता नहीं अभी तक मेरी थकावट ही नहीं दूर हो रही। अभी तक मैं जो है ना, ज़ाहिर बात है जब हम वहाँ पर होते हैं, ज़ारत वगैरह पर होते हैं, उस वक्त इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब वापस आते तो फिर तो जो है ना, जो थकेड़े होते हैं ना, हफ्ता तो लगता है। और उसके बाद फिर खैर से रमज़ान भी माशाल्लाह से, वो भी बस एक आज का मौसम चेंज हो गया है, तो इस वक्त भी दिल करता है, दोपहर में दिल करता है 3-4 बजे के थोड़ा सा रेस्ट कर लें, वो रेस्ट का बिल्कुल टाइम आता नहीं है, अफ्तारी वगैरह का टाइम शुरू हो जाता है, तो बस इस तरह से। और फिर ये है कि हमने तो अपना सैलून भी जो है वो 3 दिन बंद ही रखा हुआ, जो ईद के 3 दिन है, तो वो हमारा सैलून खुला रहेगा। और ईद के दूसरे दिन मेरे पास ब्राइड भी है, दूसरा पता नहीं तीसरा दिन है ब्राइड भी है, तो बस इस तरह करके जनाब ये रूटीन है। और आज मैं बना रही हूँ, क्या मैंने बनाया है जनाब, शरबत बना रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ शरबत में बना रही हूँ इसका, आलू बुखारे का और गुड़ का। अगर आपने पहले बनाया हुआ होगा तो वो बड़ा ही मज़े का बनता है सर्दियों में, सॉरी सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में तो खासकर वो बड़ा अच्छा लगता है, और जब बर्फ़ वगैरह डालें, बिलंगू डालें। और उसके बाद जनाब आज मैंने वो बनाया, मैंने कहा चले जब गर्मी भी आ गई है तो स्टाफ के लिए और सबके लिए वो बनाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने पहले बनाया कचनार चिकन मैंने बनाया, और उसके बाद फिर मैं फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होने के बावजूद देखिए ये हाल है मेरा कि मैं थकी भी लग रही हूँ। फिर मैं सैलून गई हूँ, सैलून में मैंने काम किया है, हेयर कट्स वगैरह मैंने किए हैं, और उसके बाद जनाब अब नीचे आके बैठी हूँ। पिंडियों में इतना दर्द हो रहा है ना, तो मेरी बेटी इतनी निकम्मी है ना, उसको इतनी शर्म नहीं आती, वीडियो मेरी बना रही है, वीडियो मेरी बना रही है, कैमरा मेरा उसने मोबाइल से मेरा पकड़ा हुआ है, लेकिन ये हया नहीं आती कि मैं अपनी माँ की टांगे दबा दूँ, पाँव दबा दूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी बेटी पैदा करती हूँ और फिर जो है ना वही मेरी खिदमत क्या करेगी, ये शहर बानो ये निकम्मी है,
और जो है ना वो भी ऐसी ही होगी, वो भी इसकी बहन होगी, वो भी निकम्मी होगी। तो व्यूअर्स अब आप आज मेरे से बस ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा, और अगर हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज वैसे पता नहीं मुझे रोजा क्यों लग रहा है, वैसे रोजा ही क्या जिसमें आपको भूख और प्यास का एहसास ना हो, है ना शहबान? सही बात। ये मैं बना रही हूँ स्टाफ के लिए और अपने लिए बना रही हूँ, घर के लिए दही बड़े बना रही हूँ। और क्योंकि तकरीबन कितने दिन हो गए हैं, आज पांचवा छठा दिन है स्टाफ की अफ्तारी नहीं हो रही है, पालन नहीं होती है, तो फिर ये है फिर सबका मतलब यही रोजा अफ्तारी करते हैं हम लोग। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैं बनाऊंगी शरबत आलू बुखारे वाला, और आज मैंने कहा कि आलू बुखारे का शरबत मैं बनाती हूँ, बड़ा ही मज़े का बनता है आलू बुखारे का शरबत। और उसके लिए फिर जनाब और क्या है, गुड़ कहाँ रखा है जरा फ्रिज में? आपकी बहन क्या भी है, देखेंगे मैं ऊपर पॉल में मसरूफ थी और उसके बाद वो आई है और जनाब गुड़ शुड़ रख के गायब, मैं अब नीचे आई हूँ तो शहरबान बता रही कि जारो मासी तो चली गई है। कितनी गलत बात है, उन बेचारी की गलती नहीं है, वो मासी जबरदस्ती कह रही थी कि घर में बच्चे अकेले हैं आ जाएं। घर में बच्चे अकेले हैं, उन्होंने शॉपिंग करने जाना था ना, यू नो ना ईद करीब है। अच्छा चलो अब इसको फ्रिज में रख दो, अब मैं शरबत बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं इसमें ले रही हूँ 8 गिलास पानी के और साफ, और मुझे मिलाकर बख्शू भी है तो ये 8 गिलास हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 गिलास, 8 गिलास हमने ले लिया पानी के। ये बिलंगू मैंने 2 टेबलस्पून इसको पहले पानी में भिगो के रख दिया है, और उसके बाद ये है आलू बुखारा, आलू बुखारा ही मैंने लिया है जो वो कौन सा जिस तरह से नरम आलू बुखारा होता है, एक होता है ड्राई आलू बुखारा और एक होता है इस तरह से जो सॉफ्ट सा होता है, ठीक है, ये वाला आलू बुखारा होता है। जो ड्राई वाला होता है वो प्लाव में डलता है, जो इस तरह का आलू बुखारा होता है वो चटनी और उसके बाद कौरमा और ये शरबत वगैरह के काम आता है। और जनाब ये है गुड़, गुड़ है ये घर का, ये मेरी सिस्टर लेकर आई है और ये घर का बना हुआ है। और अब जनाब इसमें ये है कि ये मैं डाल रही हूँ, ये आलू बुखारा मैं इसमें डाल रही हूँ ये, और उसके बाद हम डाल देंगे ये गुड़। और अब मैं इसको छान रही हूँ, वैसे मैं अभी चूल्हा बंद करके दोबारा सारा इसको छानूंगी। हाँ व्यूवर्स, मैं आलू बुखारा प्लेटेज काट के रखे दी भी हैं अलहदा, तो जनाब हूँ असा इमें करेसू के कांटे ना असा इको मैश कर गिनसूँ आलू बुखारा को, तो इनकी कुठली अलहदा कर गिनसूँ। ये व्यूवर्स अब मैं कुठली से अलहदा कर रही हूँ आलू बुखारा, अभी गर्म भी है। और उसके बाद फिर ये है कि जो वो मैंने बनाया गुड़ और जो इसका शरबत, जो अभी शरबत तो खैर नहीं बना, क्या उसे कहेंगे जनाब, हमने जो पानी बनाया है, ठीक है, जो गर्म गर्म पानी है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर के करने के बाद फिर हम उसे छान लेंगे, छानने के बाद फिर मैं इसे जनाब ऐड करूँगी। जो ये हमने पानी बनाया है ये मैं छान रही हूँ, है तो अभी गर्म लेकिन ये है कि मुझे ज़रा जल्दी है। और ये देखें गुड़ वाली चीज़ को जो आप जब शीरा बनाएं तो उसको लाजमी छान लेना चाहिए, क्योंकि गुड़ में मट्टी होती है, चाहे जितना भी वो घर का हो या जितना भी साफ हो, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको थोड़ा सा उसको वॉश कर लेना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, जो ये मैंने आलू बुखारा से गुठली से पैदा किया, असल में रोज़ा मुझे लग रहा है तो जिसकी वजह से मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की। तो जनाब ये है कि आप जो मैंने गुठली से पैदा किया आलू बुखारा, आप उसको जो है कांटे से मैश करके वो आप इसमें डाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं ज़रा अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐसा पानी डाल रही हूँ यही वाला, ताकि ये सही तरह से मिक्स हो जाए। और इसको जनाब अब हम, अच्छा जी ये देखिए ये वाली इसकी लुक आ गई है, ये देखिए इस तरह से। और आप इसमें रेड कलर का फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो आप डालें तो बड़ा ही आपका एक रेड सा बड़ा प्यारा सा कलर इसमें आएगा। ये हमारा बन गया आलू बुखारे का शरबत, अब हम इसमें डालेंगे हुमा, मुझे वहां से ना काला नमक रखा हुआ है, ये सामने रखा हुआ है काला नमक, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये नमक ये वाला, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये काला नमक, ठीक है, ये हो गया, ये इस तरह डाल के और हम इसको अब जनाब करेंगे मिक्स।
मिक्स करके, और हाँ अब जो हमने डालना है वो है बिलंगूर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जो ये मैंने इसमें बिलंगूर भिगो के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून तो बहुत है, क्योंकि ये फूल जाता है और फिर ये ज़्यादा हो जाता है, तो ये मैं 2 ही टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। जब इसमें बर्फ़ डालेंगे आ हा मज़ा आ जाएगा जनाब, जब हम रोज़ा खोलेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं आपको खुदा हाफिज़ नहीं बोल रही, बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है। और आप इसका कलर देखें बस, कितना ही ज़बरदस्त है, और ये जायके भी बहुत ही मज़ेदार होता है। चलिए ये हो गया, मुझे बख्शों के लिए गिलास दो, बख्शों को मैं डाल कर दूँ। और मेरे खेलते फिरों में खुद उस सारे डे वो इजाज़त, ब्लॉग के ख़त्म होने का टाइम हो गया है, रोज़ा भी खुलने वाला है, बस कुछ चंद ही मिनट रह गए हैं, मेरे पास 7-8 मिनट रह गए हैं। तो जनाब अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।